अगर अपना लोगे पुराने बुजुर्गों के नियम तो जिंदगी में कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक गुस्ल खाने या बंद बाथरूम में पेशाब करने से गुर्दे खराब हो जाते हैं। हमेशा अपने वॉशरूम में रोशनदान जरूर रखें ताकि बाहरी हवा क्रॉस हो सके। अगर बाथरूम में बिल्कुल भी हवा क्रॉस ना हो तो इंसान को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दो, सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है। भुने हुए चने खाने से शरीर में पूरा दिन ताकत बनी रहती है और ये दिमाग और आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तीन, आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी जरूर मिलना चाहिए। इससे रोटियाँ पौष्टिक बनती हैं और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। चार, काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर पीस ले और प्रतिदिन एक कप दूध के साथ दिन में दो बार सेवन करें। इससे दिमाग की कमजोरी दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। पाँच, रात को 8 से 10 मुनक्का पानी में भिगोकर रख दे, सुबह उनके बीच निकालकर अच्छे से चबाकर खाएं। इस प्रयोग से शरीर में खून बढ़ाने के साथ ही खून भी साफ होता है। 6, जब किसी को चोट लगती है या घाव होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे खून भी निकलता है। ऐसी परिस्थितियों में घाव को फिटकरी के पानी से धो देना चाहिए और उसके ऊपर फिटकरी का चूर्ण बनाकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से चोट से बहने वाला खून बंद हो जाता है तथा राहत मिलती है। 7, जो व्यक्ति दांतों पर आग की राख लगता है उसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। 8, प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। 9, अजवाइन को गर्म करके चेहरे पर मलने से चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। 10, सेब खाने से फौरन बाद पानी मत पिए वरना गले का कैंसर हो सकता है। 11, रोजाना सुबह एक कली लहसुन की खाएं, इससे आपको हाई बीपी के साथ साथ शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाएगी। 12, रात को सोने से पहले आधा चम्मच सूखा धनिया थोड़े से पानी में भिगो दे और सुबह उठकर इस पानी को छानकर पी ले। इससे पीरियड्स की सारी समस्या दूर होती है और पेट और कब्ज की समस्या दूर होती है। 13, रात को सोने से पहले हरण का मुरब्बा खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। 14, रात को टाइट कपड़े पहनकर ना सोए बल्कि सादा और ढीले कपड़े पहनकर सोए। टाइट कपड़े पहनकर सोने से पेट दबा हुआ रहता है, इससे कब्ज और गैस की समस्या हो सकती है। 15, सुबह खाली पेट पानी में थोड़ा सा पुदीना डालकर पीने से चेहरे की झाया और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। 16, दूध में मखाने मिलाकर खाने से आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। 17, कोई भी सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च जरूर डालें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और पेट को भी स्वस्थ रखती है। 18, दही जमाने से पहले जिस बर्तन में आप दही जमाना चाहते हैं उस बर्तन में फिटकरी का थोड़ा सा चूर्ण लगा ले, इससे दही गाढ़ा जमता है और खट्टा भी नहीं होता। 19, ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में सूख जाते हैं। 20, प्याज को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि नमी के कारण प्याज खराब हो जाता है। 21, सरसों के दानों को पीसकर शहद के साथ चाटने से कब्ज और खांसी समाप्त हो जाती है। 22, सूखे आंवले को बारीक पीसकर प्रतिदिन सुबह शाम एक चम्मच दूध या छाछ में मिलाकर पीने से खूनी बवासीर ठीक होती है। 23, बचपन से अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो हड्डियां भी कमजोर होगी। बचपन से ही बच्चों को उचित मात्रा में पानी पीने की आदत डालें। 24, मोटापा घटाने के लिए भोजन में गेहूं के आटे की जगह जौ के आटे की रोटी का प्रयोग करें। 25, अजवाइन के चूर्ण का आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने से ठंड से आया बुखार उतर जाता है।
26 रोज 1 घंटा हंसने से 400 कैलोरी ऊर्जा की खपत होती है, जिससे मोटापा भी काबू में रहता है। 27 नाशपाती का सेवन करने से फेफड़े तथा पाचन तंत्र से संबंधित रोगों में बहुत लाभ होता है, अतः नाशपाती के मौसम में प्रतिदिन इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। 28 किसी भी कारणों से अगर बार बार उल्टी हो रही हो तो सेब के जूस में मिश्री तथा सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें, इससे तुरंत आराम मिलेगा। 29 अगर आपको दाद हो गई हो तथा जिसमें बहुत खुजली होती है तथा पीड़ा होती है, ऐसा होने पर थोड़ी सी तुलसी की पत्तियों में 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पीस ले, ये लेप प्रतिदिन दाद पर लगाने से दाद की परेशानी ठीक हो जाती है। 30 कुछ लोग हड़बड़ी में या दूसरे शब्दों में बहुत ही तेजी से भोजन करते हैं, ऐसे लोगों में मोटापा बढ़ने का खतरा 3 गुना अधिक होता है। भोजन हमेशा शांत वातावरण में और चबा चबा कर करना चाहिए, ऐसा करने से हम अत्यधिक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। 31 एक चम्मच शहद में 4 बूंद नींबू के रस की डालकर मंजन की तरह दांतों पर मसूड़े पर मलने से पायरिया रोग से छुटकारा मिलता है, ये प्रयोग दिन में 2 बार करना चाहिए। 32 चाय आप कभी खाली पेट ना पिए, वरना एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है, चाय के साथ हमेशा बिस्किट या कुछ और जरूर ले। 33 अक्सर कई लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर आप सब्जी में दही मिला रहे हैं तो दही को सब्जी में मिलाकर पहले उबाल लीजिए, इसके बाद सब्जी में नमक डालकर मिलाएं, क्योंकि उबाल आने से पहले सब्जी में नमक डालने से दही फट जाती है। 34 सब्जियों पर चिपकी गंदगी और बैक्टीरिया साफ करने में फिटकरी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। 35 अक्सर जब आप कुकर में आलू उबालते हैं तो उबालने के बाद कुकर काले हो जाते हैं, और फिर उसे कितना भी रगड़कर साफ करें तो वह एक बार में साफ नहीं होता है, इसके लिए आप आलू उबालते समय उसमें थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का टुकड़ा डालकर सीटी लगाएं, इससे कुकर भी काले नहीं पड़ते और आलू का छिलका भी आसानी से निकल जाएगा। 36 यदि आपको पसीना बहुत आता है तथा आप उसकी दुर्गंध से परेशान है तो सुबह शाम 3 ग्राम आंवले का पाउडर पानी के साथ अथवा 20 मिली रस का सेवन करें, इससे गर्मी तथा पसीने की समस्या से आराम मिलेगा तथा एसिडिटी की समस्या से निजात मिलेगी। 37 घी में थोड़ा सा अजवाइन डालकर गर्म करने से घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है। 38 जो व्यक्ति रोज अखरोट खाता है उसको सांस का मर्ज नहीं होता। 39 खाया पिया सब कुछ जल्दी हजम करने के लिए हर निवाले को खूब चबाकर निकला करो, इससे आपको जिंदगी भर कब्ज, बदहजमी और पेट की गैस की दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।